कोलकाता के तिलजला यंग सोसाइटी क्लब की तरफ से तिलजला में कल 2 दिन व्यापी खेल का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन, दौड़ प्रतियोगिता और क्रिकेट का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूरे इलाके के बच्चे ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त के दिन ऐसे एक कार्यक्रम का बच्चों तथा इलाके के तमाम लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर हमने संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारे पार्टिसिपेट में है माला राय और आपके विवेश कुमार और हमारे बाबू सुप्रियो साहब है और हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट जनाब जी रहमान सभापति ब्लॉक प्रेसिडेंट है और किसके बीच मुकाबला है जी, किसके बीच में मुकाबला हो रहा है? यहाँ जो मुकाबला होने जा रहा है अभी सी फाइनल चल रहा है मुंबई से और हैदराबाद से, बेंगलोर हैदराबाद से अभी फाइनल सी फाइनल होने जा रहा है और यहाँ अभी सुबह से कल से प्रोग्राम चल रहा है, क्रिकेट खेला हुआ है, रेस ड्रॉ हुआ है बच्चे लोग का और दौड़ हुआ है, रेस ड्रॉ दौड़ हुआ है और दूसरा मैजिकल चेयर हुआ है। सुबह से प्रोग्राम चल रहा है 15 अगस्त के लिए। हमारे मोहल्ला के जितने लड़का है यहीं के सब लड़का लोग हैं वो सब मिल के क्लब का बोला है कि भाई एक तो प्रोग्राम होना चाहिए, क्लब की तरफ से एक तो प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमने ठीक है भाई हम लोग सब मिल के प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ हमारे जितने भी मतलब 200 बच्चे थे उन सब का पेंसिल बॉक्स जो भी कफ वो बच्चे लोग का जो है वो सब बोल के दे दिया गया है। बच्चे लोग का रेस ड्रॉन दौड़ वही कल्चर हो गया। अब हमारे बड़ा लोग बच्चे दो दिन का है नॉकआउट टूर्नामेंट का बहुत ही अच्छा खेल हो रहा है। हम पहला दिन भी उद्घाटन किए थे, आज सेकेंड डे है, अच्छा खेला हो रहा है। वो जबरदस्त चैंपियन का प्राइज आ रहा है हम बाया तरफ से, तो ड्राइंग कंपटीशन भी था, बच्चा लोग का म्यूजिकल चेयर, बच्चा लोग का रेस था। तो जो बच्चा लोग रेस में दौड़ा था हमको अच्छा लगा। लेकिन फिर वही बात हम रिपीट करेंगे, जो ये जो टूर्नामेंट है, ये जो इवेंट ये लोग करा रहे हैं, इसको अगर मैदान में ले जा सकता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत लड़का लोग हम लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे है और ये 2 रोज़ा प्रोग्राम चल रहा है कल से लेके आज तक। आज मेरे ख्याल से अभी सेमीफाइनल है, उसके बाद कुछ ही देर बाद फाइनल होने वाला है। ये तिलजला यंग सोसाइटी क्लब है, ये क्लब हमेशा जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। जब भी कोई ऐसा ओकेशन होता है चाहे वो 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, ये क्लब हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है।